दोस्तों आपका इंतजार हो गया है खत्म। काफी सारे लोगों ने हमें बताया था कि 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो कब शेयर मार्केट की वीडियो आएगी। तो दोस्तों आ गए हम आपके लिए शेयर मार्केट की वीडियो लेकर, स्टॉक मार्केट की वीडियोस लेकर। एक स्टॉक मार्केट का जो कंसेप्ट है हमने काफी पहले आपको बता दिया था कि इस पर हम वीडियोस लाएंगे और इस पर जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट का ये पहला वीडियो है जिसमें बताया जाएगा आपको कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या माना जाता है, सब आपको जो है यहाँ पर आज के वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। आगे अजय जी बताएंगे, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, पूरी जो है वीडियोज़ को समझना, उसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे और अपने लिए अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। और अगर आप लोग शेयर मार्केट पूरी तरह से सीखना चाहते हो तो ये जो वीडियोज़ है जो हम अपलोड करेंगे, तो इन वीडियोस को आपको शेयर करना है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और मतलब इन्वेस्ट करना और मतलब कैसे अर्निंग करना सब जानना चाहते हैं, वो लोग इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि अगर इन वीडियोस में रिस्पांस नहीं आता है, व्यूज़ नहीं आते, इन वीडियोस से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, तो हम इस सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस सीरीज़ को क्लोज कर देंगे। क्योंकि हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट लाए हैं आपके सामने और वो कंसेप्ट आप लोगों को पसंद भी आए हैं और आप लोगों की शेयरिंग की वजह से हम उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इस कंसेप्ट को भी आप जो है प्यार करोगे और इस कंसेप्ट को भी आप जो है शेयर करोगे सभी के साथ। तो ज़रूर इन वीडियोस को सभी के साथ शेयर करें, खास करके वो लोग जिन लोगों को शेयर मार्केट सीखना है, तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें क्योंकि इन वीडियोस में रिस्पांस आना ज़रूरी है। तो 56% लोग ऐसे आते हैं चैनल पे जो चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। जाइए नीचे नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 375 वीडियोस आपके लिए वहाँ पर चैनल पे बनी हुई है, लगभग टेक्नोलॉजी की सब कुछ आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ यूनिक से कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। तो जाइए सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करिए। टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ग्रुप्स में जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो वो भी वहाँ पर जाके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। नमस्कार, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चैनल के 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर आया है एक बेहद मच अवेटेड सीरीज जो है द स्टडी ऑफ शेयर मार्केट। जी हाँ, इस सीरीज में हम शेयर मार्केट की पूरी तरह से स्टडी करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी करेंगे। एक बड़ी सी और बेहद ही ज्ञानवर्धक प्लेलिस्ट हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं ताकि आपका ज्ञानार्जन तथा धनार्जन दोनों ही आसानी से हो। तो नमस्कार, मैं अजय सालवे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की सीरीज का जो है वो हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सीरीज का पहला वीडियो है, डेफिनेटली एक अच्छी और बेहद ही मज़ेदार प्लेलिस्ट बनने जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिर शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ में शेयर मार्केट की जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है वो कहां से माना जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स का हिंदी में अनुवाद अगर हम देखें तो अंश या फिर भाग, और यही इसको अगर उर्दू में समझे तो बेहद ही प्रचलित शब्द है हिस्सा। यदि किसी कंपनी की हम शुरुआत कर रहे हैं और उस कंपनी को शुरू करने के लिए टोटल 1,00,000 रुपए लग रहे हैं और जो बंदा, यानी कि मान के चलिए कि कोई बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ये कंपनी को स्टार्ट करने जा रहा है और इस कंपनी की लागत है 1,00,000 रुपए, इसे शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपए की आवश्यकता है उसे, और इसके पास जो है वो नहीं है 1,00,000 रुपए, इसके पास केवल 60,000 रुपए है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर उसे किसी न किसी से मदद मांगनी होगी। दो स्थितियां होती है, या तो वो जो है वो टेम्प्रेरी किसी से उधार पैसा ले ले बचे हुए 40,000, या फिर दूसरा वो उसे पार्टनर बनाए। यदि
वो उसे पार्टनर बना लेता है। तो 1,00,000 रुपए की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले तो उसे 40,000 रुपए चाहिए। अगर उसने वो 40,000 मिस्टर वाई से ले लिए तो ठीक है, या फिर वो चाहे तो मिस्टर वाई से कुछ पैसे ले ले या और मिस्टर जेड से कुछ पैसे ले ले। अब फर्ज करें कि मिस्टर वाई से उसने पैसे ले लिए 40,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए में से 60,000 यानी कि 60% मिस्टर एक्स का और 40% मिस्टर वाई का। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब जब 1,00,000 रुपए के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा तो वो एक्स और वाई में उसी अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि यदि 1,00,000 रुपए के ऊपर कंपनी एक साल में 100 रुपए कमाती है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 60 रुपए जो है वो मिस्टर एक्स को मिलने चाहिए, क्यों? क्योंकि 60,000 रुपए का इनका इन्वेस्ट था, यानी कि 60% 100 रुपए का 60% मिस्टर एक्स का और बचा हुआ 40% मिस्टर वाई का। और यदि ऐसा हो कि वो 100 रुपए जो हमने प्रॉफिट लिया है कंपनी में वो 100 रुपए लॉस हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है वही 60-60% का लॉस दोनों ही बंदों को झेलना पड़ेगा, है ना। ये तो हुआ स्टार्टअप और ये हुआ हिस्सा। लेकिन अगर ऐसा है कि इतना ज्यादा किसी कंपनी में लग रहा है पैसा कि 2 लोग 3 लोग 5 लोग 10 लोग जो भी है वो उसे धीरे धीरे उठाने में असक्षम है, तो ऐसी कंडीशन में लोन उठाया जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोन चुकाने के लिए जब कंपनी स्टेबल हो जाती है, काफ़ी अच्छी कमाई करने लगती है और लोन चुकाने के लिए भी अब जो है वो मार्केट से पैसा लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंपनियां हैं अपनी हिस्सेदारी जो है वो बाहर जो पब्लिक होती है उनको बेचती है, और ये जो बेचती है पब्लिक को इन्हें कहते हैं शेयर्स। यानी कि मान के चलिए कि 1,00,000 रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी है, या मतलब कुल मिला के 1,00,000 रुपए पूरी कंपनी का बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स अपने शेयर्स में से कुछ कुछ परसेंट जो है वो मार्केट में पब्लिक को देगा और कहेगा कि आइए और हमारे जो स्टार्टअप है इसमें इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने के लिए वो जितना भी परसेंट जो है वो पब्लिक में देगा, है ना, अगर मिस्टर एक्स अपना 20% दे और मिस्टर वाई 10% दे तो 30% वाई के पास और 40% मिस्टर एक्स के पास रहेगा। अब 30% आ गया मार्केट में, और उस 30% को एक निश्चित दाम पर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 1,00,000 रुपए को जो है वो 1,00,000 शेयर्स में कन्वर्ट किए जाए, परसेंट में ना करके 1,00,000 शेयर्स में कन्वर्ट किए जाए। अब अगर इसके 30% निकाले जाए तो 30,000 शेयर जो है आपने मार्केट में दे दिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंपनी ऑब्वियसली 1,00,000 रुपए के जो शेयर है 1,00,000 रुपए तो पहले ही थे, अब अगर उन शेयर्स को वो 1-1 रुपए के दाम पर ही बेचेगी तो वापस तो उतना ही पैसा आएगा जो आपने बाहर उस वैल्यू को जो आपने लोगों को बेचा है, तो फायदा क्या हुआ। ऐसी कंडीशन में कंपनी स्वयं अपनी ग्रोथ के हिसाब से, और उसे विश्वास है अगर कि इतना हम दाम रखेंगे, है ना, 1 रुपए का जो शेयर हमारा अभी बन रहा है अगर हम उसका 2 रुपए दाम भी रखें और पब्लिक दे देगी तो वो 2 रुपए रख सकती है। तो ऐसी अवस्था में 2-2 रुपए का जो शेयर हो जाता है, अब वो हो गए यहाँ पर 60,000 रुपए। 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कंपनी को मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो उस 30,000 रुपए का अपने हिसाब से जो भी उसने पब्लिक को बताया है कि मुझे क्या यूज़ करना है वो यूज़ करेगी, जैसे लोन चुकाना, इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ, नए नए स्टार्टअप में नई नई चीज़ें जोड़ना आदि। अब लोग शेयर खरीदने के लिए इसलिए भी जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कई सारी कंपनियां जो होती है अपने लाभांश का अर्थ अंग्रेजी में देखें तो डिविडेंड, जो भी एक अपनी कमाई होती है उसमें से परसेंटेज के हिसाब से 1%, 1.5% या फिर 2% जो भी है वो अलग अलग परसेंट के हिसाब से अपने शेयर धारकों को
जिनके पास अपने उसने शेयर बेचे हैं, शेयर होल्डर जिन्हें कह सकते हैं अंग्रेजी में, उन्हें देगी। उदाहरण के लिए लास्ट टाइम टाटा स्टील ने अपने एक एक सब्सक्राइबर को, अपने एक एक शेयर धारक को उसके एक एक शेयर के अगेंस्ट में 25-25 रुपए का डिविडेंड दिया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो है वो 50 शेयर में इन्वेस्टमेंट था तो ऐसी कंडीशन में उसे पर शेयर 25 रुपए ऐसे ही मिल गए। तो इस प्रकार का जो डिविडेंड होता है यह भी कई सारी कंपनियों को बेहद आकर्षित बनाता है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका शेयर। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो सब्सक्राइबर जो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और व्यूअर्स जो नए हैं वो भी अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कमेंट में अपना प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाता है कि शेयर मार्केट क्या है। तो पहले तो कुछ नामों से यह प्रचलित है, एक तो शेयर मार्केट, दूसरा स्टॉक मार्केट, शेयर को स्टॉक भी बोलते हैं, और तीसरा इक्विटी मार्केट। जैसे हम कपड़े खरीदने के लिए या फिर सब्जियां खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए अलग अलग प्रकार के बाजारों में जाते हैं, उसी प्रकार से शेयर खरीदने के लिए भी मार्केट की अलग व्यवस्था है जहां पर ये सारे शेयर ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड का तात्पर्य होता है बाइंग और सेलिंग, अर्थात खरीदी और बिक्री। एक ऐसा बाजार जहां पर केवल शेयर मिलते हैं, अपने दामों पर बिकते हैं, वो बाजार कहलाता है शेयर बाजार। भारत में दो एक्सचेंजेस यानी कि दो बाजार है जिनका नाम है क्रमशः, एक तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही एक्सचेंज पे प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार, स्पेशली शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, जो है शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, यानी शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इन बाजार में कोई कंपनी शेयर नहीं बेचती, इस बाजारों में पब्लिक ही शेयर खरीदती है और पब्लिक ही शेयर बेचती है। इन शेयरों की कीमत कैसे बढ़ती है, इन शेयरों की कीमत कैसे घटती है, आखिर ये शेयर पब्लिक के पास कैसे आते हैं, इनका मेथड क्या है, और साथ ही साथ में जो है वो कंपनियां पब्लिक को शेयर कैसे देती है, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, लेकिन आज नहीं, कभी और। फिलहाल हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इसी का, कि आखिर शेयर मार्केट की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, उस पर जाते हैं, है ना। बाकी की जितनी सारी भी चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए प्रश्न के रूप में, वो अगले कुछ वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा, एक एक करके अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं कि शेयर मार्केट की जो शुरुआत है, मतलब ये थीम, शुरुआत तो कह नहीं सकते, ये थीम, एक आइडिया कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो लगभग 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में कह सकते हैं, एक कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा इंडिया में, डच कंपनी, है ना। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच वाली जो कंपनी थी जो इंडिया में आके इन लोगों ने काफ़ी समय तक जो लूटमार की है, है ना, तो इन कंपनी को भूला तो नहीं जा सकता। तो ये जो डच कंपनी थी, यहाँ से जो है वो आइडिया आया। डचों ने क्या किया, जो इनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अपने जहाज़ों को भेजना होता था देशों की खोज करने के लिए, तो ऑब्वियसली एक कंपनी के पास इतना पैसा तो नहीं था, कितना पैसा हो सकता है, है ना। कभी कोई भी नया बिजनेस चालू करने के लिए एक लिमिट तक पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता था कि जब ये अपने जहाज़ों को भेजते थे अलग अलग देशों में, अलग अलग खोज करने के लिए और वहाँ की वस्तु स्थिति देखने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था कि उन्हें बेहद बेहद खर्च बैठता था, बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च बैठता था। तो ऐसी अवस्था में कंपनियाँ ये सब करने में विफल सी होती जा रही थी। तो वहाँ पर एक आइडिया आया कि क्यों ना हम पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लें, पब्लिक से लेंगे इन्वेस्टमेंट
और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से पब्लिक को प्रॉफिट देंगे, लॉस हुआ तो पब्लिक लॉस, है ना, दोनों प्रकार से, लॉस में भी जो वो हिस्सा बराबर, प्रॉफिट में भी हिस्सा बराबर। यही तो है आज की थीम शेयर मार्केट की। तो क्या होता था कि उस समय पे पब्लिक जो है वो इन जहाज़ों पर जो कि नई नई खोज के लिए निकलती थी पैसा लगाती थी, और उसके बाद जब भी जहाज लौट कर आते थे ढेर सारा माल लूट कर कमा कर छीन कर जैसा भी, उसमें से जो है बराबर बराबर प्रॉफिट जिस मात्रा में इन्वेस्टमेंट लिया गया है उस मात्रा में अनुपात में रेशियो में पब्लिक को बांटा जाता था। तो यही है शेयर मार्केट की थीम। तो सारा जो आइडिया आया है कह सकते हैं कि यहाँ से आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आइडिया खैर मिले ही है। तो फिलहाल के लिए आज के हम वीडियो में इतना ही कहे जो है वो ज्ञान देने वाले हैं, और आगे के लिए ढेर सारे टॉपिक है मेरे पास आपको बताने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए। आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछिए कि आपको और क्या जानना है, लेकिन जब उस टॉपिक को हम लेकर आएंगे उसी के अंदर जो है उससे रिलेटेड अगर प्रश्न आया है तो उसका हम आंसर करेंगे, है ना। डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि भाई किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं या फिर टेक्निकल क्या होता है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ का एक टाइम आएगा उसी में हम सब कुछ बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा क्योंकि शेयर मार्केट का है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।